हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। ये ऊर्जा हम लोगों को पढ़ना है, कार्य शक्ति और ऊर्जा। मान लीजिए हमारे पास कोई एक गेंद है, ये गेंद लुढ़क रहा है, किसी वेलोसिटी से चल रहा है। यदि इसके विपरीत बल लगाएं, इसको रोकने की कोशिश करें, तो ये इस बल के विपरीत कुछ दूर तक जाएगा। और मान लीजिए इसकी वेलोसिटी जो कुछ भी है ये घट करके वी हो जाती है, इसने यहाँ से यहाँ तक आने में इस बल के विपरीत कार्य किया। इसकी इस गति के कारण, इस गति के कारण यहाँ से यहाँ तक आने में कार्य हुआ। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग इस तरह से कसी हुई है, इस स्प्रिंग को हमने प्रेस कर दिया और प्रेस होने पर ये स्प्रिंग इस स्थिति में आ गई। इतना ये स्प्रिंग विस्थापित हो गई पीछे की ओर। इसके इस के कारण इसमें भी कार्य करने की क्षमता है। यदि इसको हम छोड़ दें तो अपनी नॉर्मल स्थिति में आएगी, बल इसके अंदर लगेगा, बाहर की तरफ इसमें बल लगेगा, यानी ये अपनी स्थिति को बदलेगी और इस प्रकार ये स्प्रिंग कार्य करेगी। इसके इस दबे होने के कारण, इसके इस स्ट्रेन स्थिति के कारण, इसके इस अभिविन्यास के कारण इसमें कार्य करने की क्षमता है। ऐसा इसकी गति के कारण इसमें कार्य करने की क्षमता है। या कोई भी मान लीजिए पत्थर का टुकड़ा हम फेंकते हैं और किसी दूसरे पत्थर के टुकड़े से टकराता है तो उसको विस्थापित कर देता है, तो बल लगाता है, को विस्थापित करता है। ये इसको इसलिए विस्थापित कर सका क्योंकि इसमें गति थी, इसमें चाल थी, इसमें वेग था। तो इस प्रकार से अपने वेग के कारण, गति के कारण अथवा अभिविन्यास के कारण, उदाहरण के तौर पर अभिविन्यास का एक और उदाहरण मान लीजिए कोई वस्तु पृथ्वी तल से इस ऊंचाई पर रखी हुई है, इतनी ऊंचाई पर इसमें कार्य करने की क्षमता है। अगर ये यहाँ से मुक्त रूप से गिरे तो ये कार्य करेगी, बल एम जी और विस्थापन अगर एच हो तो एम जी एच के बराबर ये कार्य कर सकेगी। इस तरह से ऊर्जा किसी भी वस्तु की गति, वेग अथवा उसके अभिविन्यास के कारण कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता। वो किसी भी तरह से कार्य करने की उसमें क्षमता हो, चाहे उसकी गति के कारण और चाहे उसके अभिन्यास के कारण, उसकी स्थिति के कारण। इस तरह से जो ऊर्जा हुई वो दो प्रकार की हुई, एक तो उसकी गति के कारण और दूसरा उसकी स्थिति के कारण, उसके अभिन्यास के कारण या उसकी जो विकृति की स्थिति है उसके कारण जो कार्य करने की क्षमता रहती है। तो इस प्रकार से कार्य करने की क्षमता दो प्रकार से हो सकती है, गति के कारण अथवा स्थिर अवस्था में या किसी स्थिति के कारण। इसलिए ऊर्जा को हम दो भावों में बांटते हैं, ऊर्जा नंबर वन गतिज ऊर्जा
गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो गतिज ऊर्जा है या काइनेटिक एनर्जी है, ये गति के कारण होती है। और एक दूसरे प्रकार की ऊर्जा है जो अभिन्यास के कारण है, उसकी अवस्था के कारण, उसकी स्थिति के कारण है, उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिति ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, दो प्रकार की ऊर्जा हुई। हम एक एक को पढ़ते हैं। पहला है गतिज ऊर्जा। आइए गतिज ऊर्जा को पढ़ते हैं। फर्स्ट गतिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी। कोई भी वस्तु चल रही है और वो विराम अवस्था तक आते आते जो कुछ भी काम कर सकेगी, अथवा कोई वस्तु विराम में है और वो गति की किसी अवस्था तक आते तक जो काम कर सकती, या गति की एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक पहुंचने में जो कार्य उस वस्तु द्वारा होता है, उसे ही हम उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये गति के कारण ही, उसके गति के कारण वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण वस्तु की कार्य करने की क्षमता को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। गति के कारण। अब दो बातें हो सकती कि गति में वस्तु की कुछ वेलोसिटी है और थोड़ी देर बाद कुछ वेलोसिटी हो गई भी हो गई, तो इस वेग से इस वेग तक आने में वस्तु के द्वारा कार्य हुआ या वस्तु पर कार्य हुआ, एक अवस्था से दूसरी गति की अवस्था जाने में, तो इस अवस्था से इस अवस्था के बीच वो गतिज ऊर्जा का परिवर्तन हुआ। यहाँ पर गतिज ऊर्जा होगी इस वेग के कारण, यहाँ पर गति के कारण इस वेग के कारण गतिज ऊर्जा होगी, और इसलिए इसके इस गतिज ऊर्जा और इस गतिज ऊर्जा का अंतर, दोनों गतिज ऊर्जाओं का अंतर होगा। अथवा ये वस्तु विराम में है और फिर इसके ऊपर बल ने कार्य किया और ये गति करने लगी और इसकी वेलोसिटी भी हो गई, तो ये विराम से गति की इस अवस्था तक आने में जो कार्य हुआ वो इसकी गति ऊर्जा होगी। अथवा वस्तु इस अवस्था में थी और फिर वो विराम तक आने में जो कार्य हुआ वो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा या तो एक गति की अवस्था से दूसरी अवस्था तक जाने में जो गतिज ऊर्जा का अंतर आएगा वो किए गए कार्य के बराबर होगा, अथवा विराम से किसी स्थिति तक गति के जाने में जो कार्य किया गया वो का गतिज ऊर्जा होगी, अथवा गति के किसी अवस्था से और विराम तक आने में जो कार्य हुआ वो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो इस प्रकार गतिज ऊर्जा कितनी होगी हम इसकी गणना कर लेते हैं। गतिज ऊर्जा की गणना करने के लिए हमने मान लिया वस्तु पर एफ
बल लगाकर उसका बेग U से बदल कर V हो गया। वस्तु यम द्रव्यमान की वस्तु, यम द्रव्यमान की यम द्रव्यमान की वस्तु पर यह बल लगाकर उसका वेग U से बदलकर B या फिर बल लगने से उसका वेग U से बदलकर B हो गया तथा उसका विस्थापन यस हुआ। जो पिंड है वो इस अवस्था में है, यहाँ पर ये इसकी प्रथम अवस्था है, यानी ये इसकी इनिशियल स्टेट है, प्रारंभिक अवस्था जिसे हम कहते हैं इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट। और यहाँ पर इसका प्रारंभिक वेग यू है, इस पर यफ बल लगा और इसमें विस्थापन यस हुआ उसी दिशा में और वस्तु का वेग भी हो गया और यह इसकी फाइनल अवस्था है, फाइनल स्टेट या अंतिम अवस्था। यहां से यहां तक आई तो इस वस्तु जब यहाँ थी तो उसका वेग यू था, फिर इसने यप बल ने काम किया और ये वस्तु इतना विस्थापित होकर यहाँ गई। इस यप बल के कारण से कार्य कितना हुआ, तो यफ के कारण कार्य, यफ के कारण कार्य, यफ इंटू यस कास थीटा आर, थीटा आर का जीरो, जिधर को बल लग रहा था विस्थापन भी उसी दिशा में था और इसलिए इनके बीच का ये हुआ आपका यफ इंटू यस या डब्लू इक्वल टू यफ बराबर होता है यम इंटू ए इंटू यस। बल ने इतना कार्य किया, इतना कार्य बल कर रहा है और यहां से यहां तक आने में वेग में परिवर्तन हुआ, प्रारंभिक वेग U और अंतिम वेग V और चूंकि V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस टू ए यस या V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर टू ए यस, इसको हमने इसको M बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बटा दो यम, यम बाई टू से गुणा करने पर गुणा कर दिया तो हो गया एक बटा दो यम वी स्क्वायर, एक बटा दो यम यू स्क्वायर इक्वल टू
m by 2 into 2as is equal to m as. समीकरण एक से यमएस का मान रख दिया, समय करण एक से यम ए एस का मान रखने पर यह हो गया एक बटा दो यम बी स्क्वायर, एक बटा दो एम यू स्क्वायर बराबर डब्लू। ये डब्लू है उस पिंड पर, उस द्रव्यमान पर, उस वस्तु पर यफ बल ने लग करके और इतना कार्य किया, इसकी गति की अवस्था में उस वस्तु के ऊपर जो कार्य हुआ वह कार्य ही उसके अंदर ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो गया। उसके अंदर इतनी ऊर्जा है और चूंकि गति के कारण है, वस्तु गति कर रही है, इसलिए ये गतिज ऊर्जा है। ये ऊर्जा प्रारंभ की है, ये ऊर्जा अंत की है। ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, ये अंतिम गतिज ऊर्जा है। तो वस्तु द्वारा इसलिए वस्तु द्वारा इसलिए बल द्वारा वस्तु के वेग परिवर्तन में कार्य कार्य W बराबर है हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये तो एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक जाने में गतिज ऊर्जा का परिवर्तन हुआ। यदि वस्तु प्रारंभ में विराम में विराम में होती तो U बराबर जीरो, और इसलिए W बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। यही गतिज ऊर्जा है, यही V वेग पर वस्तु की गति ऊर्जा है। गति जो ऊर्जा है, जो बल ने कार्य किया वह कार्य ही गति ऊर्जा के रूप में वस्तु को प्राप्त हो गया, और इसलिए गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हुआ गतिज ऊर्जा का सूत्र। विराम से वी स्थिति तक जाने में जितनी उसको ऊर्जा प्राप्त हुई वो उसकी गतिज ऊर्जा, या इस स्थिति से जीरो स्थिति तक आने में ये जितना कार्य करता वस्तु वो उसकी गतिज ऊर्जा। तो किसी भी वस्तु के कार्य करने की जो भी क्षमता है, वो कार्य करने की क्षमता उसके ऊपर किए गए बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी, या उसके द्वारा स्वयं किए गए कार्य के बराबर होगी। जब वो स्वयं कार्य करेगी तो ऊर्जा उसकी व्यय होगी, जब उसके ऊपर कार्य किया जाएगा तो ऊर्जा उसमें संचित होगी। ये इसके अंदर संचित हुई क्योंकि डब्लू, क्योंकि बल ने उसके ऊपर कार्य किया, इसलिए कह ये बराबर हुआ हाफ एम बी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा, जब भी कोई वस्तु गति करती है तो ये उसकी
गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और अगर विराम में आ जाए तो टोटल जो उसके पास कार्य जो हुआ वो उसकी टोटल गतिज ऊर्जा होगी। आइए यहाँ एक छोटा सा हम एग्जाम्पल देखते हैं। 2 किलोग्राम की एक गोला को बेग 5-6 मीटर पर सेकंड से 3 जूजा का परिवर्तन निकालें। यदि वस्तु रुक जाए तो गतिज ऊर्जा निकालो, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालो कितनी उसके कार्य करने की कुल क्षमता है। वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालो। अब यहां देखिए 2 किलोग्राम का गोला है जो जा रहा है, उसका जो प्रारंभिक वेग है वो तो 6 मीटर पर सेकंड है, 6 मीटर प्रति सेकंड इसका प्रारंभिक वेग है। द्रव्यमान है 2 किलोग्राम और वो उसके ऊपर एक विपरीत बल लगा और उद्दीत बल लगा जिसने उसके वेग को घटा करके और 2 मीटर पर सेकंड कर दिया, तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ। उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ये हो जाएगा डेल्टा के, बाद की गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर, ये आपका बराबर हो गया हाफ एम, एम बराबर है 2 किलोग्राम और वी बराबर है वी 2 का स्क्वायर, 1/2 2 × 6 × 6 ये आपका आया 4, ये आ गया 36, तो ये आपका बराबर आ गया -32 जूल, अर्थात उसकी गतिज ऊर्जा घट गई, पहले 36 थी और बाद में उसका 4 हुआ, बाद में 36 और पहले 4 थी, क्योंकि विराम में आ रही है वस्तु का वेग घट रहा है इसलिए उसकी गतिज ऊर्जा घट रही है, यह हो गया उसकी गतिज ऊर्जा का परिवर्तन। अगर वो विराम में आ जाती तो इसका मतलब ये वेग उसका 0 हो जाता, वी बराबर 0, यदि वी बराबर 0 तो फिर केवल यही उसकी ऊर्जा होती, इतना ही कुल ऊर्जा उसकी होती और इसीलिए काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर 36 जूल, यह इसकी ऊर्जा थी। कुल टोटल उसके पास जब वो चल रही थी 6 मीटर पर सेकंड से तो उसके पास कुल इतनी कार्य करने की क्षमता थी, लेकिन जब वो रोकी गई 2 मीटर पर सेकंड पर आ गई तो अब भी उसके पास गतिज ऊर्जा है,
तो 36 थी और 4 है इस समय, तो अंतर कितना आया? क्योंकि घटा है इसलिए वो माइनस 32 जूल। अब यहां पर ये जो कार्य है, हमने देखा कि जो कार्य है वही गतिज ऊर्जा है, जो कार्य होता है वही गतिज ऊर्जा में बदलता है। यहां पर भी जो अवरोधिक बल है, अवरोध किया है जिसने, उसने कार्य किया इसको रोकने में, इसलिए वो उसने गतिज ऊर्जा में इसके परिवर्तन कर दिया। इसलिए यह कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय वर्क इनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी थ्योरी में है कि परिणामी बल द्वारा किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। परिणामी बल द्वारा किसी पिंड या कण पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है अर्थात W बराबर डेल्टा के। इसको देखते हैं लोग। अब जो कि हम जानते हैं कि बल दो प्रकार का होता है, एक बल है जिसका मान स्थिर रहता है और एक बल है जिसका मान बदलता रहता है, परिवर्तनशील रहता है। तो पहला है स्थिर बल, स्थिर बल स्थिर बल द्वारा कार्य। अब स्थिर बल द्वारा काम यदि बल एफ वस्तु पर कार्य करके, यदि बल एफ वस्तु पर कार्य करके उसमें यस विस्थापन या विस्थापन कर दे तथा बेग यू से वी कर दे तो क्या होगा कि जो बल लग रहा है वो कार्य करेगा। इसलिए बल द्वारा कार्य, बल द्वारा कार्य ये बराबर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन। बल और विस्थापन अगर एक ही दिशा में है तो यह बराबर हो जाएगा एफ इंटू यस कास जीरो, यानी हम इसको कह सकते हैं एफ यस। ये हमारा हो गया कार्य, बल गुणे विस्थापन बराबर कार्य।
चूंकि उसके वेग में भी परिवर्तन हो गया, इसलिए वेग का परिवर्तन बेस का परिवर्तन बी हुआ, यू से वी तक गया वस्तु। हम ये गति का जो नियम है, गति का नियम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, जो विस्थापन से संबंधित है, इसको हम लगाते हैं। तो चूंकि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, या इस हमने m से गुणा किया तो यह हो गया आपका m बाई 2 से गुणा किया तो m बाई 2 v स्क्वायर माइनस m बाई 2 u स्क्वायर बराबर यम ए यस। हम जानते हैं कि हाफ यम बी स्क्वायर ये होता है गतिज ऊर्जा, यहां पर ये अंतिम गतिज ऊर्जा है, ये है के एफ, ये है के आई, और यहां आप ध्यान से देखें ये बराबर है यफ इंटू यस, और यफ इंटू यस समीकरण एक से बराबर है डब्लू, या डेल्टा के बराबर डब्लू। तो जितना भी कार्य किसी वस्तु पर किया जाता है या जितना कार्य वो वस्तु करती है वो उसकी गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है, गतिज ऊर्जा का परिवर्तन। अब आइए, ये तो हमने लिया जब स्थिर बल द्वारा कृत कार्य, और अगर बल स्थिर ना हो, मान लीजिए परवर्ती बल हो, परवर्ती बल द्वारा अगर बल परवर्ती है तो परवर्ती बल यफ द्वारा अति अल्प विस्थापन में कार्य डी डब्ल्यू, कार्य छोटा है तो बराबर हो जाएगा यफ इंटू डी एस, यही बराबर हो जाएगा यफ यफ इक्वल टू एम ए इंटू डी एस, यही बराबर होगा यम वी बराबर ये त्वरण है डी वी बाई डी टी इंटू डी एस। इसे हम लिख सकते हैं यम डी एस बाई डी टी इंटू डी वी, डी एस बाई डी टी इक्वल टू वी, यम वी डी वी ए बराबर है छोटे विस्थापन में होने वाला कार्य, परवर्ती बल द्वारा होने वाला कार्य, इसलिए परवर्ती बल द्वारा कुल कार्य, परवर्ती बल द्वारा कुल कार्य कितना होगा, कुल कार्य और इसलिए कुल कार्य W बराबर यम बाहर आ जाएगा क्योंकि यम का अवकलन नहीं होना, यह हो जाएगा U से लेकर V तक V dV
ये हो गया डब्लू यम बाई टू वी स्क्वायर। एक बार इसका जो अवकलन होगा ये इसका समाकलन करेंगे तो आएगा वी स्क्वायर बाई टू, ये इतना आएगा। ये यहाँ यू रहेगा, यहाँ वी रहेगा, जब इसका मान आप रखेंगे तो ये एम बाई टू तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पर रहेगा। एक बार वी रखेंगे, एक बार यू रखेंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो कि बराबर है एक बटा दो यम वी स्क्वायर एक बटा दो यम यू स्क्वायर। यही बराबर है परवर्ती बल द्वारा होने वाला कार्य। और ये है आपका के एफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये है प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी जो बराबर है डेल्टा के, ऊर्जा परिवर्तन। तो चाहे बल परवर्ती हो चाहे बल स्थिर हो, लेकिन होने वाला जो कार्य होता है वो गति ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। ये तो हो गया गति ऊर्जा के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा है स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा किसी भी वस्तु में गति के कारण नहीं, या तो उसकी स्थिति के कारण जो उसकी पोजीशन है, और या उसके जो अभिविन्यास है, तनाव की स्थिति में है, खिंचाव की स्थिति में है, टेढ़ा करके रखा गया है, कोई स्प्रिंग उसको टेढ़ा करके रखिए, कोई राड है उसको टेढ़ा कर करके छोड़िए तो सीधी हो जाएगी और काम करेगी। इसकी स्थिति के कारण कोई वस्तु नीचे है उसकी दूसरी ऊर्जा होगी, ऊपर ले गए आप तो उसमें दूसरी ऊर्जा है, वो गति नहीं कर रही, वस्तु रखी हुई है लेकिन फिर भी उसमें कार्य करने की क्षमता है। एक स्प्रिंग को दबा दिया, वो प्रेस्ड है, वो विकृति की अवस्था में है लेकिन उसमें कार्य करने की क्षमता है, क्योंकि जैसे छोड़ेंगे वो फैलेगी, बल लगाएगी और विस्थापन होगा, बल गुणे विस्थापन बराबर होने वाला कार्य। इसलिए स्थिति ऊर्जा किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण या उसके अभिन्यास के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो आइए स्थिति ऊर्जा देखते हैं। स्थिति ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। आपने आपको बताया कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो किसी वस्तु में चल रही है इसके कारण नहीं होती, बल्कि वो उसकी स्थिति के कारण। किसी वस्तु की स्थिति यानी पोजीशन, जो उसकी स्थिति है जिस अवस्था में है वो, या अभिविन्यास रचना कैसी बनी हुई है उसकी, किस तरह से रखा है वो अभिविन्यास यानी कॉन्फिगरेशन, के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। अब इसमें एक बात ध्यान देने की है कि स्थिति ऊर्जा में वस्तु गति नहीं करती। जैसे मान लीजिए ये यहां है, इसमें ऊर्जा है, ऊर्जा ध्यान रखेंगे ऊर्जा नापने के लिए, चाहे वो गति ऊर्जा हो स्थिति ऊर्जा है, कोई ना कोई हमारा रेफरेंस पॉइंट रहता है, मूल बिंदु रहता है जहाँ से हम उस ऊर्जा को नापते हैं। ऊर्जा को नापने के लिए अगर मूल बिंदु बदल जाए तो ऊर्जा भी बदल जाएगी, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि वेग भी बदल जाता है। जैसे मान लिया हम ट्रेन पर बैठे हों
तो ट्रेन पर अगर हम बैठे हों और ट्रेन चल रही हो तो ट्रेन के डब्बे के सापेक्ष हम स्थिर हैं, तो मेरी कोई गतिज ऊर्जा हमारी नहीं रहेगी। कोई भी व्यक्ति अगर ट्रेन के डब्बे में बैठा है तो उसके वो हमको देखेगा तो उसकी तुलना में हमारे पास गतिज ऊर्जा नहीं रहेगी, लेकिन जमीन की तुलना में हमारे पास गतिज ऊर्जा रहेगी। तो गतिज तो इस तरह से स्थितिज ऊर्जा का भी है। स्थितिज ऊर्जा हम नाप कहाँ से रहे हैं? अगर छत पर कोई भी वस्तु रखी है, 5 मीटर ऊंचाई पर कोई भी यम द्रव्यमान की वस्तु रखी है, तो उसकी ऊर्जा हो जाएगी यम जी एच। वो रखी हुई है, कार्य करने की क्षमता है, चल नहीं रही है, गति नहीं कर रही है, तो स्थितिज ऊर्जा यम जी एच। लेकिन अगर उस जहां पर वो रखी है वहीं से हम नापें तो ऊंचाई 0 हो जाएगी। इसलिए वो रिफरेंस पॉइंट अगर हो, वो अगर हमारा निर्देश बिंदु हो, तो वहां से नापी गई ऊर्जा 0 होगी। तो इसलिए ये जो हम स्थिति जो नापते हैं, हमने बताया कि उसके अभिन्यास के कारण, यानी किस अवस्था से हमने ऊर्जा को नापा या स्थिति को हमने कहाँ से नापा, तो उसकी तुलना में जो भी उसमें कार्य करने की क्षमता होगी हम उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो स्थितिज ऊर्जाएं बहुत प्रकार की हैं। पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी भी स्थान पर वस्तु में कार्य करने की क्षमता रहती है, वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। इसी तरह से विद्युतीय क्षेत्र में भी किसी स्थान पर वस्तु के कार्य करने की क्षमता रहती है, वो विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा है। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, कोई स्प्रिंग तनी हुई है या कोई तार खींचा हुआ है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा के किसी भी रूप में हो सकती, किसी भी प्रकार की हो सकती। पानी को आपने प्रेस कर दिया, दबा हुआ है, वो पानी के अंदर ऊर्जा है, वो पानी बह नहीं रहा है, वो दबा हुआ है, हम उसे कहते हैं कि उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है, प्रेशर इनर्जी है। तो इस तरह से स्थितिज ऊर्जा किसी भी तरह की होती है। यह है कि उसमें गति नहीं होनी चाहिए, कार्य करने की क्षमता बिना गति के कारण जो भी जिस भी रहेगी, उसकी अभिन्यास के कारण, उसकी अवस्था के कारण, उसके तनाव के कारण, उसके दबाव के कारण, तो वो स्थितिज ऊर्जा होगी। अब यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा है, उस स्थितिज ऊर्जा का हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो किसी भी छेद के कारण होती है। जैसा मान लीजिए हमारा ये गुरुत्वीय क्षेत्र है, अगर गुरुत्वीय क्षेत्र ना होता तो वस्तु कहीं रहती, ऐसे पड़ी रहती, उसके ऊपर कोई भी आकर्षण का बल लगता नहीं। अगर यहाँ छोड़ देते तो ऐसे पड़ी रहती, वो नीचे नहीं जाती। हम इसको ले जाते तो हमको कार्य करना पड़ता, एक्सटर्नल बल लगा के हम ऊपर ले जाएँ चाहे नीचे ले जाएँ। तो हम अगर इसको ऊपर ले जाते या हम इसको नीचे ले जाते तो हमारे द्वारा कार्य होता, एक्सटर्नल बल द्वारा। लेकिन ये जो स्थितिज ऊर्जा, ये जो हमारा क्षेत्र है, तब क्षेत्र ना होता, लेकिन इस समय कहीं भी अगर हम देखें तो गुरुत्वीय क्षेत्र है। इसका मतलब जो भी काम होता है वो इस गुरुत्वीय क्षेत्र में होता है। हम इस गुरुत्वीय क्षेत्र में एक अलग से बाह्य बल लगा करके किसी चीज को भी स्थापित करते हैं, ले जाते हैं, और उस गुरुत्वीय क्षेत्र के या तो विपरीत काम करेंगे या उसके तरफ काम करेंगे। अगर किसी वस्तु को नीचे को हम फेंक रहे हैं तो उसी दिशा में काम कर रहे हैं जिस दिशा में गुरुत्वीय बल लग रहा है, और अगर हमने उसके विपरीत दिशा में उसको विस्थापित किया तो हमने बाह्य बल उस गुरुत्वीय जो बल क्षेत्र है उसके विपरीत लगाया। तो किसी भी वस्तु को किसी भी गुरुत्वीय क्षेत्र में अगर रहती है, गुरुत्वीय क्षेत्र है, विद्युतीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब ये जो क्षेत्र है, ध्यान रखें, हमने इसके पहले पढ़ा है क्षेत्र, जो विद्युत बल क्षेत्र होते हैं 2 प्रकार के। एक बल क्षेत्र तो वो है कि जिसमें होने वाला कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करता, किधर से आप ले गए, जहां से शुरू किया, जहां पहुंचे, उस विस्थापन को बल से गुणा कर दिया तो कार्य आ गया। किधर से घुमा के ले गए इस पर निर्भर नहीं करता, यानी कार्य जो होता है वो बल गुणे दूरी पर निर्भर नहीं करता, वो बल गुणे विस्थापन पर निर्भर करता है, यानी वो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। तो जिस बल क्षेत्र में कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करता, विस्थापन के रास्ते पर निर्भर नहीं करता, उसे हम कहते हैं संरक्षी बल, उसे हम संरक्षी बल कहते हैं। तो किसी भी संरक्षी बल और स्थितिज ऊर्जा का क्या संबंध है वो हमको निकालना है। संरक्षी यानी कंजर्वेटिव, संरक्षी बल यौम स्थितिज ऊर्जा।
संरक्षी बल अमिश्र ऊर्जा कांजर बेटी फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। मान लिया किसी भी वस्तु पर यदि हम बाह्य बल लगाएं और किसी वो संरक्षित बल क्षेत्र में है, तो जब बाह्य बल लगाते हैं तो या तो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा या उसकी स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन, या दोनों में परिवर्तन हो सकता है। तो बाह्य बल द्वारा गति ऊर्जा या स्थिति ऊर्जा अथवा दोनों में परिवर्तन हो सकता है। मान लिया यहां पर कोई वस्तु है, हमने उसको पर लगाया, फेंक दिया उसको, तो उसकी गति ऊर्जा भी बढ़ सकती है या घट सकती है, उसकी स्थिति ऊर्जा भी बढ़ घट सकती है, या हो सकता है कि वस्तु में स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन ना हो, केवल उसकी गति ऊर्जा किसी क्षैतिज पर कोई वस्तु का वेग कुछ है, उसका वेग बढ़ गया तो गति ऊर्जा बढ़ गई, स्थिति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि वो क्षैतिज पृष्ठ पर चल रही है, क्षैतिज तल पर चल रही है और इसीलिए उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो स्थिति ऊर्जा यहाँ थी वही स्थिति ऊर्जा यहाँ है, वो प्लेन पर चल रही है, समतल पर चल रही है, तो गति ऊर्जा में केवल परिवर्तन होगा। या अगर वस्तु को ऊपर से नीचे से ऊपर ले गए उठा करके तो उसके वेलोसिटी में परिवर्तन नहीं हुआ, केवल उसकी ऊंचाई में परिवर्तन हुआ, दूरी में परिवर्तन हुआ, तो केवल स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो बाह्य बल अगर हम लगाते हैं किसी भी क्षेत्र में, क्षेत्र कोई चीज भी क्षेत्र में वस्तु रखी है उसके ऊपर बाह्य बल लगाते हैं तो या तो गति ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा या स्थिति ऊर्जा में होगा या दोनों में परिवर्तन हो सकता है। हमने मान लिया कि दोनों में परिवर्तन हुआ तो बाह्य बल जो हमने लगाया एफ ई एक्स टी यानी एक्सटर्नल फोर्स इंटू डेल्टा एक्स, बाह्य बल द्वारा जो भी काम होगा वो या तो डेल्टा यू इसकी स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन होगा या इसकी गति ऊर्जा में परिवर्तन होगा या दोनों में होगा। हमने मान लिया दोनों में परिवर्तन हो रहा है, अगर किसी का जीरो भी होगा तो उसकी जगह जीरो रहेगा। अब ये हुआ बाह्य बल द्वारा होने वाला कार्य। अब जो हमारा क्षेत्र है, जो संरक्षी बल का क्षेत्र है, वो संरक्षी बल तो लग रहा है उस वस्तु के ऊपर पहले से लग रहा है, तो संरक्षी बल और जो बल हमने लगाया उसका नेट बल कितना होगा। इसलिए वस्तु पर परिणामी बल, वस्तु पर परिणामी बल, इसको हम कहते हैं एफ नेट। नेट बल कितना हुआ, एफ जो बल क्षेत्र है और प्लस एफ ई एक्स टी, ये हमारा जहां एफ एफ संरक्षी बल क्षेत्र है संरक्षी बल है। तो जब बल क्षेत्र पहले से मौजूद है, हमने बाह्य बल लगाया तो कुल टोटल नेट बल इतना काम किया। हमें जानते हैं कि जब भी किसी वस्तु पर बल कार्य करता है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ऊर्जा कार्य प्रमेय, तो किसी वस्तु पर होने वाला कार्य उसकी गति ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। किसी वस्तु पर होने वाला कार्य
उसकी गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। उसकी गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। अब आइए हम देखते हैं गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर हो, अर्थात बल हमने लगाया F प्लस एक्सटर्नल बल और विस्थापन हुआ डेल्टा एक्स, तो ये हुआ कार्य और ये बराबर हो जाएगा डेल्टा के। ये है कार्य ऊर्जा पर वेग। गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है या F डेल्टा एक्स प्लस F ई एक्स टी डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा के। और इसलिए F एक्सटर्नल बल द्वारा होने वाला काम बराबर हो गया डेल्टा के माइनस F डेल्टा एक्स। ये समीकरण नंबर दो हो गया। अब हमारे पास दो समीकरण है, दोनों एक जैसे हैं। एक समीकरण है एक्सटर्नल वर्क द्वारा होने वाला कार्य, एक है एक्सटर्नल वर्क द्वारा होने वाला कार्य। यदि एक और दो की हम तुलना करते हैं तो ये इसका बायां पक्ष के बराबर है, दाहिने पक्ष में डेल्टा के बराबर है और इसलिए डेल्टा यू बराबर हो गया माइनस एफ डेल्टा एक्स। एक एवं दो समीकरण एक एवं दो की तुलना से अगर इसकी तुलना हम करते हैं तो आ गया माइनस एफ डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा यू, और इसीलिए एफ बराबर माइनस डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स। यही है संरक्षी बल और स्थिति ऊर्जा का संबंध। स्थिति ऊर्जा की जो स्थिति ऊर्जा की दूरी के सापेक्ष परिवर्तन, विस्थापन के सापेक्ष परिवर्तन, वो आपके ही संरक्षी बल के बराबर होता है। ये इसका संबंध है। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा इससे संबंधित, यानी F डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा यू। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि जो भी एक्सटर्नल वर्क होता है उसके कारण से जो टोटल कार्य होता है वो है आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन और स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन और गतिज ऊर्जा परिवर्तन। अगर ये बाह्य बल ना हो, केवल संरक्षी बल हो, यदि F E X T बराबर जीरो हो तो संरक्षी बल क्षेत्र में तो संरक्षी बल क्षेत्र में ये जीरो हो जाए तो ये जीरो हो गया बायां पक्ष, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के बराबर जीरो। यदि एफ एक्स टी बराबर जीरो हो तो संरक्षी बल क्षेत्र में डेल्टा यू प्लस डेल्टा के बराबर जीरो। समीकरण एक से, समीकरण एक से अब आप इसको देखिए, यहां पर जो डेल्टा यू है वो स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन है और जो
डेल्टा के है वो गतिज ऊर्जा परिवर्तन है। डेल्टा यू बराबर यू एफ माइनस यू आई तथा डेल्टा के बराबर के एफ माइनस के आई, और इसलिए यू एफ प्लस के एफ बराबर यू आई प्लस के आई। यू एफ सॉरी ये हुआ प्लस बराबर जीरो, इसलिए यू एफ प्लस के एफ बराबर यू आई प्लस के आई, अर्थात ये है परिवर्तन यहाँ पर और ये है टोटल ऊर्जा। यू एफ के एफ फाइनल कुल ऊर्जा बराबर इनिशियल कुल ऊर्जा अर्थात कुल ऊर्जा ई एफ बराबर ई आई, अर्थात ऊर्जा संरक्षित रहती है, संपूर्ण ऊर्जा संरक्षित रहती है। प्रारंभिक ऊर्जा टोटल ऊर्जा और अंतिम टोटल ऊर्जा सतह बराबर होती है, अर्थात ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती, ना ऊर्जा पैदा की जा सकती है ना ऊर्जा नष्ट हो सकती है। बस आज तो इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हो।